हेलो बच्चों, कैसे हो? 10वीं क्लास क्षितिज भाग 2 का पाठ नंबर 4 है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य, जो एक कविता है, आत्मपरक शैली में लिखी गई है। कविता पढ़ने से पहले इसका मैं थोड़ी सी भूमिका आपको समझा देता हूँ कि जयशंकर प्रसाद जब एक फेमस कवि हो गए, प्रसिद्ध कवि लेखक, तो उनके कुछ मित्रों जानकारों ने उनसे आग्रह किया कि वो अपनी आत्मकथा लिखें ताकि लोग उसको पढ़ें और कुछ प्रेरणा लें। तो जयशंकर प्रसाद को ये बात पसंद नहीं आई। उनका मानना था कि उनके जीवन में ऐसा कुछ भी महान नहीं है, कोई बड़ा महान कार्य, कोई भी ऐसी खुशी, कोई भी ऐसी प्रेरणा जिससे दूसरों को कुछ सीख मिले, बल्कि उनका जीवन अभावों कष्टों से भरा हुआ है। तो उन्होंने आत्मकथा नहीं लिखी, लेकिन कुछ समय पश्चात उन्होंने एक कविता लिखी, उसका शीर्षक रखा आत्मकथ्य, और उसमें उन्होंने अपने बारे में अपने अनुभव अपने विचार बताए हैं, तो वो आज हम पढ़ेंगे। पहला अनुच्छेद देखिए इसका, कविता का। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इसमें देखो प्रतीकात्मकता है, लक्षणा सब शक्ति है। एक मानव को एक मधुप यानी भंवरे के रूप में दिखा है, एक कवि को, एक रचनाकार को भंवरे के रूप में दिखा है। कवि कहता है ये भंवरा गुनगुना कर न जाने अपनी कौन सी कहानी कह रहा है, और जीवन में क्या है, मेरे जीवन में क्या है, मुरझा कर बहुत सारी पत्तियां गिर रही हैं, मेरा जीवन जिसमें खुशियों की बहुत गहराई थी वो अब जो है खुशियों से रहित हो गया है, पतझड़ की तरह जो है पत्तियां गिर रही हैं। इशारा है जीवन में खुशियों के बाद आने वाली तकलीफ या दुखों या अभावों का। तो गुनगुना में पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास अलंकार हैं और स्वर मैत्री अलंकार भी है, अंत में स्वर मिलते हुए आप देख रहे हो। इसके बाद देखो, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, कहता है ये संसार अनंत नीलिमा युक्त है, जैसे कोई बहुत बड़ा सागर या समुद्र होता है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास दबे पड़े हैं, मेरी क्या गिनती है, महापुरुषों की कतार है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, तो इतिहास इसमें असंख्य हैं, लेकिन यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, मेरे जैसे भी अपने बारे में कुछ बताकर आत्मकथा इत्यादि लिखकर वो अपना उपहास ही करते हैं, क्योंकि एक अति बहुत ज़्यादा महान व्यक्ति के सामने एक छोटा सा व्यक्ति अपनी बड़ाई करे तो वो अपना मजाक करता है। इस तरह से कवि ने कहा है कि मैं तो एक मामूली व्यक्ति हूँ और अपने बारे में अपनी बड़ाई के बारे में लिख करके मैं क्या कर रहा हूँ, अपना ही एक तरह से मजाक मैं उड़ा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा आपके। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। कहता है क्या तुम इस बात को सुनकर कुछ सुख प्राप्त कर पाओगे, देखो मेरी यह गागर जो है वो रीति है, खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा, इसलिए तुम इससे कुछ भी प्राप्त नहीं करोगे, कुछ भी नहीं पाओगे। तो इस पैरे का कहने का भाव ये है कि कवि का मानना है उसके जीवन में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है जो दूसरों को आत्मकथा के रूप में बताया जाए। इतने महापुरुषों के इस संसार में अगर वो अपनी आत्मकथा को लिखता है, आत्मश्लाघा करता है, अपनी बड़ाई करता है, तो ये बड़ाई नहीं बल्कि अपना मजाक करने के समान होगा। और इसके अतिरिक्त कहता है कि मेरे जीवन में अभाव और कष्ट हैं, इसलिए मैं अपनी ही दुर्बलता को, बीते हुए समय के अपने ही गलतियों को तुम्हारे सामने रखूं, क्या तुम चाहोगे कि अपने अभावों और कमियों को रखूं? फिर तुम कह रहे हो कि मैं आत्मकथा लिखूं, ऐसा नहीं हो सकता है। जहां तक काव्य सौंदर्य की बात है तो काव्य सौंदर्य देखिए, उसमें भाव पक्ष मैंने बता दिया है, शिल्प पक्ष में आप खड़ी बोली भाषा है, और खड़ी बोली भाषा में तत्सम शब्दों की अधिकता है, बहुत सुंदर चुन चुन कर तत्सम शब्द लिए गए हैं,
अलंकार मैं साथ के साथ बताता रहा हूँ। और कवि रूपी पहली जो लाइन है कवि रूपी मधुप, तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी है, बाकी अलंकार मैंने बता दिए हैं। और प्रसाद गुण है इसमें, ललित शब्दों को देखते हुए माधुर्य गुण भी मान सकते हो, छंदमुक्त रचना है। यह आपका एक अनुच्छेद पूरा हो गया है।